जय हिंद दोस्तों, एनजीसीएस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम कनेक्टिंग रॉड को बनाना सीखेंगे। ये एक मशीन पार्ट है, तो चलिए इसका ड्राइंग एंड डायमेंशन देख लेते हैं। इसको पॉज करके अच्छे से देख लें, या पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ से न्यू पार्ट फाइल ओपन करते हैं और टॉप प्लेन पर आके और स्केचिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सेंटर लाइन सेलेक्ट करते हैं, सेंटर लाइन सेलेक्ट ओके। इसका लेंथ हमें 120 देना है। अब यहाँ से सर्किल सेलेक्ट करते हैं, पहला सर्किल, दूसरा सर्किल, यहाँ पे तीन सर्किल बनाना है। और एक एक सर्किल यहाँ पे भी ओके। अब इसको हम डायमेंशन देते हैं बारी बारी से। ये इनर सर्किल का डायमेंशन हमें 15 गिवन है, इसका डायमीटर 24, आउटर वन का 50 गिवन है, मिडिल वन का 34 गिवन है, 34 एंड इनर वन का 32। इसका रेडियस हमें 14 गिवन है, सर डायमीटर उसका, और इसका 10। इस सेंटर का डिस्टेंस हमें 17 गिवन है, इसके सेंटर का डिस्टेंस हमें 71 गिवन है, 71। अब ये हो गया ओके। अब ओरिजिन को और इस सर्कल के सेंटर को दोनों को कोइंसिडेंट कर देते हैं। यहाँ तक मेरा स्केच फुल्ली डिफाइंड हो चुका है ओके। अब यहाँ पे हम टेंजेंट क्रिएट करेंगे, तो टेंजेंट के लिए एक सिंपल लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका रिलेशन बनाएंगे इससे। दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल से इसको और इसको दोनों को सेलेक्ट करके टेंजेंट, अब दोनों को सेलेक्ट करके कोइंसिडेंट, इसको भी और इसको दोनों को सेलेक्ट करके कोइंसिडेंट रिलेशन ओके। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन इन दोनों लाइन के बीच में रिलेशन है पैरेलल का, तो पैरेलल कर लेंगे और इस कॉर्नर को और इसको दोनों को सेलेक्ट करके कोइंसिडेंट। अब रिलेशन हो गया, अब डायमेंशन देते हैं इसका, स्मार्ट डायमेंशन। इसका डिस्टेंस 10 गिवन है, यहाँ से रेडियल डिस्टेंस भी हमें 10 ही गिवन है, 10 है। और यहाँ से इस सेंटर का डिस्टेंस वो गिवन है 90। ये स्केच फुल्ली डिफाइंड हुआ। इसके बाद से हम सिंपल मिरर टूल का यूज करेंगे। पहले लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसको जिसको भी मिरर करना है, तीन लाइन को सेलेक्ट करके और मिरर अबाउट ये लाइन ओके। अब हमें अनवांटेड पार्ट को ट्रिम कर लेना है, तो उसके लिए हम एक
यहाँ से एक बाउंड्री बना लेते हैं। ओके, अब ट्रिम करते हैं, तो ये इसको ट्रिम करना है, साथ में इसको भी, ये और ये, साथ में ये अंदर वाला भी सर्किल का ट्रिम करना है। ये स्केच हमारा फुल्ली डिफाइंड हो चुका है। अब इसको एक्सट्रूड करने के प्रोसेस में आते हैं। अब यहाँ से एक्सट्रूडेड बॉस बेस, इस वाले रीजन को सेलेक्ट करेंगे। ये डिस्टेंस हमें ऊपर 15 देना है। एक बार ध्यान से समझ लेते हैं, यहाँ पे ये जहाँ पे स्केच बनाया है वहाँ से 5 नीचे और 15 ऊपर, टोटल 20 है। और ये इनर वाला पोर्शन को हमें 6 mm तक एक्सट्रूड करना है और आउटर को 10 mm तक। तो चलिए 15, डायरेक्शन 2 में हमें 5 mm तक करना है। ओके, एक्सट्रूडेड बॉस बेस। अब स्केच को सेलेक्ट करके दोनों रीजन को सेलेक्ट करेंगे और ये इनर का 5 डायरेक्शन 2 में। ओके, फिर से स्केच 1 को सेलेक्ट करके एक्सट्रूडेड बॉस बेस। अब हमें इस रीजन को सेलेक्ट करना है और साथ में इस रीजन को भी, और इसका डायमेंशन है हमें 14 mm एंड यहाँ पे 4 mm, 1-1 mm तक। चलिए ये हो गया। अगेन स्केच 1 को सेलेक्ट करेंगे, इनर वाले रीजन को सेलेक्ट करेंगे और इसको हमें 6 mm तक एक्सट्रूड करना था। 6 mm, ओके। अब लास्ट में हमें जो बचा है पोर्शन उसको सेलेक्ट करेंगे, ये दोनों पोर्शन को, और इसका हमें 10 mm तक। ये देखिए, ये मॉडल बनकर रेडी हो। अब साथ यहाँ पे स्केच सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट करके और यहाँ पे नट बोल्ट असेंबल के लिए ये 10, ये भी 10 है। चाहे तो एक और करके भी और मिरर टूल का भी यूज कर, मिरर फीचर का यूज कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दे रहा हूँ। एक सर्कल सेलेक्ट करेंगे, एट एम एम डायमीटर का, 8 mm। ओके, फीचर में आके एक्सट्रूडेड बॉस बेस पे क्लिक करेंगे। ये बाहर की ओर आउटवर्ड है, तो इसको इन्वर्ट करने के लिए सिंपल यहाँ से डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। ये 10 mm है। ओके, अगेन इसके स्केच 2 को सेलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूडेड कट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि एक होल भी बनाना है। तो एक्सट्रूडेड कट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये सेलेक्टेड रीजन कट होने के लिए रेडी रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सेलेक्टेड कंटूर स्केच 2 को यहाँ से डिलीट करेंगे और इस रीजन को सेलेक्ट करेंगे, इस रीजन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अब अंदर वाला सिर्फ सर्कल ही सेलेक्ट हुआ है। और यहीं तक नहीं, आगे तक। चलिए ओके, ये मॉडल बनके हमारा रेडी हो गया। अब इसको हम कुछ मटेरियल असाइन कर देते हैं, स्टील, पॉलिश्ड स्टील। उम्मीद करते हैं कि ये ट्यूटोरियल आपको आसानी से समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।